नमस्कार दोस्तों, आज बात होने वाली है भारतीय रेल के एक पेचीदा रूल, एक पेचीदा नियम के बारे में, जिसका नुकसान अक्सर यात्री को उठाना पड़ता है। और यात्री इस नुकसान को उठाने के बावजूद वो ये सोचता है कि मेरी किस्मत खराब है, जबकि दोष है भारतीय रेल का, लेकिन किस्मत को दोषी ठहरा के यात्री जो चुपचाप रह जाता है, क्योंकि यही हमने देखा है, यही सुना है, इसी के बारे में हमें बताया गया है शुरू से आज तक भारतीय रेल का ये जो नियम है। दोस्तों, मैं इसके बारे में आपको आज बताना चाहूँगा। नियम दरअसल ऐसा है, मतलब नियम नहीं, मतलब ये प्रॉब्लम दरअसल ऐसा है कि जब आप यात्रा करते हैं तो ज़रूरी तो नहीं हर बार आप एक ही ट्रेन से यात्रा करते होंगे। कई बार ऐसा होता है कि पहली स्टॉप से दूसरी स्टॉप तक हम एक गाड़ी का सहारा लेते हैं, फिर वहाँ से आगे का सफ़र के लिए हम दूसरी गाड़ी से ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे में ज़रा सोचिए, आपकी पहली गाड़ी अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहुँचने में 4-5 घंटे 8 घंटे लेट कर देती है और इस वजह से आपकी दूसरी गाड़ी मिस हो जाती है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्या आपको नहीं लगता है कि इसके लिए ज़िम्मेदार भारतीय रेल है? पर ऐसा नहीं है। रेलवे के मुताबिक एक यात्री जब ट्रेन में सवार हो जाता है, उसके बाद वो ट्रेन 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे लेट से पहुँचे, तो इसमें रेलवे की कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती है। आपकी गाड़ी छूट जाए, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, खो जाए, आपको पैदल जाना पड़े, आपको कार में जाना पड़े, जो है वो आपकी जिम्मेदारी आप समझें, वो रेलवे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, ये बात और है कि आपकी गाड़ी आपके स्टेशन पर 4 घंटे लेट से पहुंचती है तो आप यहाँ TDR फाइल कर सकते हो और अपना रिफंड ले सकते हो, लेकिन आपका गाड़ी दूसरी, मतलब आपको जहाँ उतरना है वहाँ वो लेट से पहुंचती है, तो यहाँ आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है, यहाँ तक कि आगे की गाड़ी की जो रिफंड है वो भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ, एक सिस्टम है कनेक्टिंग जर्नी का। कनेक्टिंग जर्नी में भी बहुत बड़ा, मतलब कुछ वैसे खास ज़्यादा फायदा मुझे नहीं दिखा। ये जो है 1 अप्रैल 2019 को ये सर्विस शुरू हुई है, जिसके बारे में मैंने आपको इससे पहले भी बताया हुआ है, और मैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके बाद आगे भी जो है कनेक्टिंग जर्नी के बारे में बता दूंगा। जहां आप एक यात्रा को अंजाम देने के लिए 2-3 गाड़ियों का सहारा लेते हैं, तो यहाँ उन तीनों गाड़ियों को आपस में आप जोड़ सकते हैं। इसके फायदे भी है, नुकसान भी है, बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस भी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बताऊंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिखकर बताएं। तो यहाँ मामला ये है कि आप अपनी पहली गाड़ी, आपकी जब लेट हो जाती है तो दूसरी गाड़ी के लिए सिर्फ एक ऑप्शन आपके पास बचता है कि अगर आपकी गाड़ी, आपको 4 घंटे पहले ये पता चल जाता है कि मेरी जो दूसरी गाड़ी है वो मिस होने वाली है, तो ऐसे में 4 घंटे पहले आप उस गाड़ी को, उस टिकट को कैंसिल करा सकते हो। अगर ऑनलाइन का टिकट है तो कैंसिल हो जाएगा, ऑफलाइन का टिकट है तो भी आप ऑनलाइन करा सकते हो, लेकिन यहाँ भी जो है मामला थोड़ा पेचीदा है। इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ आईकार्ड में लिंक दे रहा हूँ, आप उसमें जाकर देख के समझ सकते हैं कैसे काउंटर टिकट को ऑनलाइन कैंसिल करना है और किस तरह से रिफंड लेना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। बाकी इस बारे में आपका क्या है सोच, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।